सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पे बिजनेस अकाउंट के बारे में कि आप लोग एक मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं अपना घर बैठे। गाइस, आप लोगों कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो अपने बिजनेस को या दुकान को, रेस्टोरेंट को डिजिटल तौर पे ले जा सकते हैं और अपनी जो पेमेंट होती है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब बात आती है गाइस कि कई सारे क्वेश्चन करते हैं भाई लोग कि हमारा जो QR कोड है वो क्या बोलते हैं, फ्री आएगा या कैसा आएगा। वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि किस तरह से आप लोग अपने QR कोड को स्टैंड को फ्री में घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे हम इसको ओपन करते हैं गूगल पे बिजनेस को, तो कुछ इस तरह से आएगा। आपको नीचे आके आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाता है वेलकम टू, और आप लोगों को नीचे आना है और अपनी यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करनी होती है। अगर एक होगी तो आपकी एक ही रहने देना। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक से दो बार आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा, परमिशन देनी होती है गूगल पे बिजनेस को। कुछ सेकंड का आप वेट करेंगे, दो तीन सेकंड का, देन उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। अगर आप लोग खुद का बिजनेस तो फर्स्ट वाले ऑप्शन करेंगे, ज्वाइन में तो आप ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया। देन आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस की डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि ओनर का नेम, शॉप नेम और रजिस्टर्ड बिजनेस का नेम क्या है, वो आप लोग यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपका टाइप का बिजनेस क्या है, मतलब कि आप लोग पार्टनरशिप में जो भी हैं आप सेलेक्ट करेंगे। देन कंटिन्यू और आगे बढ़ना है। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अपनी बिजनेस की ग्रोसरी है या फूड है, रेस्टोरेंट है, जो भी है। आप गाइस आप यहाँ पर सी ऑल कैटेगरी पे क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अब बिजनेस की लोकेशन आ जाती है, जहाँ से भी इसको प्रोसेस को करते हैं वहाँ की लोकेशन लेता है। तो आप अपनी कोई लोकेशन डालिएगा, पिन कोड हो गया, आपकी शॉप का नंबर, हिस्ट्री और लोकलिटी, सिटी और स्टेट आप सिलेक्ट कीजिएगा एरो पे क्लिक करके। देन आपको यहाँ पर मैप भी कन्फर्म करना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म ऑन मैप पे क्लिक कर देंगे अपनी लोकेशन को यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर आप प्रोसेस को करते हैं वहाँ का लेता है। आप लोग यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपका बिजनेस, शॉप, दुकान है। उसके बाद कन्फर्म, देन उसके बाद आपको गाइस कंटिन्यू क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आ जाता है सर्विस एरिया, ये ऑप्शनल है। गाइस आप लोग यहाँ पर अपने जो टैग होते हैं डाल सकते हैं सर्विस एरिया के लिए, जो भी कस्टमर होगा वो आपकी शॉप को, दुकान को इजीली ढूंढ सकता है, देख सकता है। तो ये डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू। अब गाइस यहाँ पे हमने बिजनेस का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो जो भी आप लोगों नंबर डाला उस पर OTP आता है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। देन कुछ इस तरह से आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपनी डिटेल, जैसे कि पैन कार्ड हो गया अपना अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड फोटो पे क्लिक करके। देन आप लोग यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, GST नंबर है तो डाल दीजिएगा या इसको छोड़ भी दीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना होगा रिसीव करने के लिए पेमेंट, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड हो गया। देन आपको फाइंड पे क्लिक करना होगा नीचे आके। गाइस अब जैसे क्लिक करते हैं तो गाइस देखो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, 1 रुपया हमारा आ चुका है, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद गाइज आप लोग देख पा रहे हो जो भी हमारा स्टोर होगा यहाँ पर आ जाता है गूगल के लिए, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आकर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ ये समरी आ जाती है। अगर आपको कुछ चीज़ें, माइनर सी चीज़ें चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके, और उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। गाइज आप जी सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है, और आपको यहाँ पर परमिशन देनी होगी 102 बार। उसके बाद गाइज कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा कि आपका 2 दिन में होगा, बट आपको यहाँ पर क्लोज करना है और आपको 10 मिनट वेट करना है, और आपका हैंड टू हैंड सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे कि आप QR कोड को यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी आपकी पेमेंट हुई है रिसीव, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी पेमेंट हमारी आई है, सेटल कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं, और नीचे आके आपका QR कोड भी आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना QR कोड को यहाँ पर देख सकते हैं, और ये QR कोड को दिखा के अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और गाइज आप लोग गूगल पे से, पेटीएम से, अमेजोन से, iMobile से, फ़ोनपे, सबसे आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लगा भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आई होप आपको पता भी होगा गाइस, आप लोग करते भी होंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर QR कोड को स्कैन किया, यहाँ पर मैंने अमाउंट को एंटर करना है, और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पे पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरी पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो चुकी है मेरे गूगल पे में, आप देख ही पा रहे हो गाइस। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर QR कोड पे क्लिक करेंगे, अपने QR कोड पे जाके आप लोग यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कन्फर्म डिलीवरी पर क्लिक करना होगा, आपका एड्रेस आ जाएगा जो भी आपने डाला होगा, और एडिट भी कर सकते हैं, देन कन्फर्म कर देंगे। गाइस ये मैं इसलिए नहीं मंगा रहा हूँ क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ फ्री में मंगा सकते हैं कन्फर्म क्लिक करके। देन आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं इस QR कोड को, और आप लोग इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा और अपनी दुकान पर, शॉप पर, जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी
बिल्कुल सेम होता है। कई सारे इसमें ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आप लोग गाइस बाहर जाते हैं अपने रेस्टोरेंट से या अपनी दुकान से, तो आप लोग इसमें मैनेज स्टाफ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप उसकी डिटेल डालकर, जो भी आप मैनेज स्टाफ बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल डालकर आप लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब जो स्टाफ होगा वो मैनेज कर सकता है आपके बाद। उसमें क्या होगा गाइस, जैसे कि कोई भी कस्टमर पेमेंट को सेंड करता है तो वो उसके वहाँ पर नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी फीचर्स आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।